एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित अलमासपुर गांव पड़ा। लगभग 25,000 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान किरण देवी हैं, जो गांव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही हैं। लगभग 14,000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 3300 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 190 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2500 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर, 32 स्ट्रीट लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 12 खडंजे, 13 सीसी रोड, 26 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 40 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पंचायत घर, पार्क, शमशान घाट, प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत कार्य, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम मुकेश कुमार, प्रधानपति ग्राम पंचायत अलमासपुर, विकास खंड सदर मुजफ्फरनगर। मेरे गाँव में तकरीबन 25 इंटरलॉक और 13 सीसी रोड और 12-13 खड़ंजे और 12-13 मतलब हैंडपम्प रिबोर कराए हैं इस अपने कार्यकाल में। और अभी जो आवश्यकता है वो एक ग्राम पंचायत कार्यालय की है। दूसरा, हमारे पार्कों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। अलमासपुर में काफ़ी पार्क भी हैं। एक पानी की टंकी का भी आवश्यकता है, जो अलमासपुर में क्योंकि एक टंकी से काम नहीं चल रहा, टंकी एक और होनी चाहिए ताकि पानी सभी को हम दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा पानी की कर सकें हम हर व्यक्ति के साथ में। और हम ये भी चाहते हैं कि हमें जो लाइट की व्यवस्था यहाँ जो नई बस्ती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे नई बस्ती में अभी खंभे तक नहीं है, लाइट की कोई मतलब सुविधा नहीं है उनके पास, तो सबसे पहले तो लाइन होनी चाहिए, उसके बाद खंभे होने चाहिए, उसके बाद लाइन होनी चाहिए ताकि गरीब बस्तियों में या बैकवर्ड इलाके में लाइट की अच्छी सुविधा हो सके। और ये भी हम सरकार से डिमांड करेंगे कि जो भी मतलब हमारे गांव के अंदर जैसा प्राथमिक विद्यालय, वो प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण है वो भी होना चाहिए। और हमारे गाँव में सबसे बड़ी एक दिक्कत हो रहा है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से रात में बड़ी दिक्कत आती है, परेशानी आती है लोगों को। तो उसके लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे गांव में एक अलमासपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है और वो होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे गांव के अंदर पेंशन वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है लोगों की, वो होनी समय से होनी चाहिए। अप्लाई करते हैं ज़्यादा लोग और होती बहुत कम है, तो हम ये भी उम्मीद करेंगे सरकार से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गरीब लोगों का, वृद्धा का, विकलांग का और विधवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बने, ताकि एक मैसेज जाए कि प्रधान के द्वारा जो है पेंशन हर तरह की बनाई जा रही है, तो अच्छा संदेश जाएगा गांव के अंदर। तो मैं अपनी सरकार से और अपने अधिकारियों से यही उम्मीद करूंगा कि वो हमारे गांव में जो भी ज़रूरत जिस चीज़ की है वो समय से दें, जैसे तो उनको कच्ची छत की व्यवस्था हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की पक्की छत बन जाए, तो उससे भी एक सरकार का अच्छा मैसेज जाएगा।